पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में उत्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और आगरा के प्रमुख समाज सेवी विनोद कुमार बंसल ने मंगलवार पाटरवक्ष स्थित अतिथि वन में चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि शिविर समस्या में सुधार होगा, नगर निगम और जल निगम के भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, यमुना पर बेराज साकार होगा और हर युवा के हाथ में रोजगार होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर विधानसभा में आएगा बदलाव तो दूर होगी समस्याएं, सबके भरेंगे घाव, यमुना आरती स्थल को देंगे भव्य रूप। विनोद बंसल ने चुनावी घोषणा पत्र में यमुना नदी के शुद्धिकरण और उसके आसपास हरियाली के साथ उसके सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने यमुना किनारे पर यमुना आरती स्थल को भव्य रूप देने का वादा किया। सबसे पहले तो मैं अपने परम इच्छा नितिन चंदेलिया जी का स्वागत करता हूँ और मेरे बीच में मेरे महानगर अध्यक्ष झारू देवेंद्र चुल्लू जी, व्यापार प्रकोष्ठ के पश्चिम चेयरमैन के उपाध्यक्ष भाई राघवेंद्र उपाध्याय और पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष भाई एस के समाधिया जी। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आगरा की मूलभूत समस्याओं के लिए। ये आगरा निवासी का प्रतिज्ञा पत्र भी है और घोषणा पत्र भी है। हमने प्रयास किया है उत्तर विधानसभा की जितनी भी मूलभूत समस्या हैं उनके बारे में अवगत कराएं और दूसरा उसके साथ साथ आगरा की जो समस्या हैं उनसे भी थोड़ा सा अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आगरा के अंदर हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए। उसके लिए बहुत प्रयास हमारे अध्यक्ता भाई कर रहे हैं और एक समय ऐसा अब आया था कि 9 विधायक, 2 सांसद, MLC और राज्य केंद्रीय विधि राज मंत्री, मेयर सब आगरा में थे। आशा बनी थी आगरा के लोगों को, अधिवक्ताओं को, कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा में होगी। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ केवल, मैं विश्वास दिलाता हूँ अधिवक्ता का जो भी आदेश मेरे लिए होगा वो सर्वमान्य होगा। अब सीवर की समस्या है जो आगरा की, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर निगम और जल निगम में जो घोटाले हुए हैं उसके बारे में हम जांच भी कराएंगे और उनको खत्म करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। आगरा वासियों के लिए बैराज जो सालों साल से समस्या है, 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उद्घाटन किया था बैराज का आगरे में। 32 साल गुजरने के बाद भी बैराज का कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया। मैं आगरा की जनता को विश्वास दिलाता हूं जो कार्य हमने शुरू किया 89 में उद्घाटन के द्वारा, वो 22 में चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से बैराज आगरा में होगा और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास नहीं और उसमें हम सफल होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में ताजमहल उत्तर प्रदेश का किसान कहा जाता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।